हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है टैली प्राइम के ऊपर, मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग जीएसटी की एंट्री कैसे पास करेंगे। जब भी हम कोई परचेज करते हैं, चाहे हम अमेजोन से लें चाहे लोकल शॉप से लें, मान लो मैंने कोई एलईडी लिया है 10,000 रुपये का, तो उस पर टैक्स लग के आता है। तो मुझे परचेज इनवॉइस की एंट्री करनी है जो कि जीएसटी इनेबल्ड होगी। तो यहाँ मुझे क्या प्रेस करना है, जीएसटी ऑन करने के लिए मुझे प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से F11 फंक्शन की। F11 मींस फीचर्स। जैसे मैं F11 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी मेरे पास, कंपनी क्या है, कंपनी का नाम है ग्रेट सॉल्यूशंस। और यहाँ पे आप देखिए अकाउंटिंग मॉड्यूल आ रहा है, यहाँ पे इन्वेंटरी मॉड्यूल आ रहा है, और ये आ रहा है आपका टैक्सेशन। तो टैक्सेशन के अंदर ऑप्शन आ रही है क्या, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस जीएसटी। इसको मैं यहाँ पे करूंगा यस। जैसे मैं वाई प्रेस करूंगा और एंटर करूंगा, सो एक जीएसटी डिटेल एक नई विंडो पॉपअप करेगा जिसके अंदर मुझे पर्टिकुलर्स डालने होंगे। अब वो पर्टिकुलर्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे स्टेट लूंगा। अब मान लीजिए जो मेरी कंपनी है वो कंपनी है हरियाणा के अंदर, तो मैं यहाँ पे हरियाणा पिक करूंगा। अगर मेरी कंपनी चंडीगढ़ की है, चंडीगढ़ की आएगी। पंजाब है तो पंजाब की आएगी। दिल्ली है तो दिल्ली की आएगी। तो मैंने यहाँ पे लिया हरियाणा। अब जो मेरा टाइप है, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन टाइप, तो वो मेरा क्या है, कॉम्पोजिशन है कि रेगुलर है। रेगुलर में क्या रहता है, आपको यहाँ पे लेना है रेगुलर कि आप टाइमली जो है आप टैक्स को पे करेंगे, रिटर्न क्वार्टरली भरेंगे या मंथली भरेंगे, वो आपका चलेगा। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल आपको लेना है क्या रेगुलर के अंदर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम। अब आप चाहते हैं कि किस डेट से जीएसटी एप्लीकेबल हो, तो जो डेट देंगे उस डेट के बाद से वो जीएसटी की एंट्री एप्लीकेबल होगी। उससे पहले की अगर जीएसटी एंट्री करोगे तो इफेक्ट में नहीं आएगी, जीएसटी का अमाउंट जो है कैलकुलेट करके वो वाउचर में नहीं आएगा। तो जब भी आपने डेट देनी है वो इस डेट के बाद देनी है जो आपने यहाँ पे मेंशन की होगी। उसके बाद आएगा जीएसटी नंबर। अब जो जीएसटी नंबर है वो बनाया गया है 3 अल्फान्यूमेरिक टाइप से। वो क्या है, सबसे पहले आता है स्टेट कोड। लाइक स्टेट कोड क्या है, 01, 02, 03, 04, 05। अगर मैं बात करता हूँ 06 की, तो वो किसका है, वो हरियाणा का है 06, ठीक है। इसी तरह अगर मैं दिल्ली का करूंगा तो दिल्ली का कोड आएगा, चंडीगढ़ करूंगा तो वहां का कोड आएगा। तो अगर आपको लिस्ट ऑफ कोड देखने हैं तो आप गूगल कीजिए, गूगल पर टाइप कीजिए जीएसटी स्टेट वाइज कोड, तो आपके सभी स्टेट्स के कोड आ जाएंगे और वो कोड आपका चलेगा। तो जब मैं जीएसटी नंबर लूंगा अपने सीए की मदद से या फिर एडवोकेट की मदद से, तो जो मेरे पास जीएसटी नंबर आएगा उसमें मेरा पहले होता है स्टेट कोड। मीन्स जैसे मेरा है 06, तो मेरा वो 6 कोड आ गया, 06 स्टेट कोड। उसके बाद आएगा मेरा पैन नंबर, अगर मैं इंडिविजुअल का पैन नंबर है या कंपनी का पैन नंबर है जिसके नाम से होगा तो वो पैन नंबर आएगा। उसके बाद 3 नंबर का, 3 डिजिट्स का वो होगा अल्फा न्यूमेरिक एक कोड, लाइक 1ZA, 1AC, 1DC, 4BD, 4RQ, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे देखिए 06, जैसे आप देख पा रहे हैं 06 हमारा कोड है स्टेट। उसके बाद AMOPP2484R, ये हमारा हो गया पैन नंबर। उसके बाद आ गया 1ZX। तो कुल मिला के बात इतनी है कि जो जीएसटी का नंबर रहेगा वो रहेगा 15 का, 15 अल्फा न्यूमेरिक कोड्स का, जिसमें करेक्टर्स और न्यूमेरिक्स सब मिक्स होके आते हैं, लेकिन उसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 15 करेक्टर्स की। इसके बाद जो रिटर्न आपने भरनी है वो कैसे भरनी है, मंथली या फिर क्वार्टरली, तो मैं यहाँ चूज करता हूँ मंथली। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी आप मंथली करके छोड़ दीजिए। बाकी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे है इसको छोड़ दीजिए एज इट इज, कि मुझे जो फीचर है एडिशनली इस पर नहीं जाना, और जो इनवॉइस फीचर है उसके ऊपर भी नहीं जाना, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ए, और जैसे ही मैंने कंट्रोल ए किया वो हो गया सेव, और फिर मैंने किया कंट्रोल ए और फिर हो गया सेव, और मैं वहां से बाहर आ गया। तो ये तो थे मेरे पर्टिकुलर्स जो मैंने अपने कंपनी का टीन नंबर वहां पे मेंशन किया है, और स्टेट मेंशन किया है, और डेट ऑफ एप्लीकेबल डेट कि वो किस दिन से स्टार्ट करेगा जीएसटी को लगाना। ये तो था मेरा पहला काम। अब हम बात करते हैं परचेज की। तो जब हम परचेज करेंगे तो वहां से भी जो पार्टी का नाम होगा जिससे मैं सामान ले रहा हूं, तो उसका भी मुझे टिन नंबर ऐड करना पड़ेगा, उसका भी मुझे जीएसटी नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं यहाँ पे वाउचर्स के अंदर, और मैं यहाँ पे करूंगा परचेज। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया परचेज, और यहाँ पे आएगा पार्टी का नाम। तो अब जिस पार्टी से लेना है, अब एक चीज समझने वाली यहाँ पे ये है कि अगर तो मैं लोकल परचेज कर रहा हूँ, लोकल का मतलब ये नहीं होता कि आपके अगर शहर पंचकुला है तो मैं पंचकुला से ही शेयर करूंगा, अगर चंडीगढ़ है चंडीगढ़ से ही लूंगा, नहीं ऐसा नहीं है, या दिल्ली है दिल्ली से ही लूंगा। हरियाणा जो है एक स्टेट है, ठीक है, हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी शहर से, किसी भी गाँव से जो कंपनी वहां पर रजिस्टर्ड होगी उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तो वो लोकल है। अब मेरी कंपनी है कहाँ पे, पिंजौर डिस्ट्रिक्ट पंचकुला हरियाणा।
अगर मैं यहाँ से बात करूँ गुरुग्राम की, इसको गुड़गांव भी कहते हैं, जो यहाँ के से तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अगर मैं वहां से सामान लेके आता हूँ तो वो भी हरियाणा आएगा। अगर मैं जाता हूँ हिसार में या झज्जर में, जो कि यहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो भी हरियाणा है। ठीक है, तो ये लोकल का मतलब ये नहीं होता कि विद इन अ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, लोकल का मतलब क्या है, विद इन अ स्टेट। तो अगर एक ही स्टेट से मैं सामान ले रहा हूँ तो वो लोकल कहेगी, और अगर मैं किसी और स्टेट से ले रहा हूँ तो वो अदर स्टेट आएगी, मीन्स इंटर स्टेट आएगी। तो हम बात करते हैं लोकल परचेज की। तो मान लीजिए मैंने जिसे माल ले रहा हूँ वो लोकल परचेज ही है मेरी, मीन्स इंटर स्टेट नहीं है, वो हरियाणा से ही माल ले रहा हूँ, वो लोकल परचेज है। तो मैं यहाँ पे लिए पार्टी का नाम, तो मैं क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए मैंने पार्टी का नाम लिया क्या, श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस, ये मेरा बनेगा अंडर सेंडरी क्राइटर के, क्योंकि इससे मैं उधार ले रहा हूँ, उधार ले रहा हूँ तो इसका मुझे पैसा देना होगा। तो यहाँ पे लिया मैंने सेंडरी क्राइटर। उसके बाद यहाँ पे उसका जो एड्रेस है, स्टेट है, डाल सकते हो, अगर नहीं डालना छोड़ सकते हो। अब अगर मैं जीएसटी इनेबल्ड परचेज कर रहा हूँ अपनी कंपनी के अंदर, तो उसका भी जीएसटी नंबर मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो मैं डालता हूँ उसका पैन नंबर क्या, AMOBB2484R। अब ये क्या है, जो मेरा था कंपनी का वो था AMOPP, पी फॉर पीकॉक, अब मैंने यहाँ पे कर दिया AMOBB, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, थोड़ा चेंज कर दिया, रेगुलर है टिन नंबर। अब इसकी भी स्टेट अगर हरियाणा है, देखो मैंने यहाँ पे हरियाणा दी है, तो इसका जो कोड होगा पहले स्टार्ट 06 सही होगा, उसके बाद इसका पैन नंबर आ जाएगा क्या, AMOBB2484R। याद रहे कि ये जो है, ये पैन नंबर और ये पैन नंबर मिसमैच नहीं होना चाहिए, अगर मिसमैच होगा तो वो लेगा नहीं। उसके बाद मैंने कोड दिया 7UT, सेट अल्टर डिटेल, इसको यस करना है कीजिए, और यहाँ कुछ नहीं करना हमने, रेगुलर है, बाकी सब स्केप करके यहाँ से बाहर आ जाइए, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। और एक्सेप्ट किया, दैट्स इट, यहाँ भी कुछ नहीं करना, कंट्रोल ही किया और बाहर। अब यहाँ पे जो डिटेल है पार्टी की, यहाँ पे शो होना चाहिए उसका जीएसटीएन नंबर, अगर आपका यहाँ पर शो हो रहा है, विच मीन्स कि आपका सेकंड स्टेप ठीक है। पहला स्टेप क्या था कि मैंने F11 में जाके कंपनी फीचर्स के अंदर अपना जीएसटी नंबर डाला था, और स्टेप नंबर 2 क्या है कि जिससे मैं बाय कर रहा हूँ, मीन्स जो सेंडरी क्रेडिटर है, उसका डिटेल मैं एंटर करूंगा। तो पहले मेरे 2 स्टेप ये वाले खत्म हो गए, एंटर किया, कंट्रोल किया और बाहर। अब यहाँ पे आएगा परचेज अकाउंट। इस वीडियो से पहले जो मैंने आपको बताया था स्टॉक आइटम परचेज करते हैं, तो मैंने क्या बोला था कि परचेज अंडर परचेज आएगा। अगर मैं यहाँ पे परचेज अंडर परचेज करूंगा तो दिक्कत तो कोई नहीं है, जो मेरा बना हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जीएसटी टैक्स के क्लासिफिकेशन की, अब किसी पे तो टैक्स लग रहा है 5%, किसी पर लग रहा है 28%, किसी पर लग रहा है 18%। अगर मैं सभी को एक ही ग्रुप में डाल दूंगा तो फिर मुझे ये नहीं पता लगेगा मंथ के एंड में कि कौन सी आइटम 18 वाली है, कौन सी आइटम 12 वाली है, कौन सी आइटम 28 वाली है, कौन सी 5 वाली है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, उसको सिस्टमेटिक करने के लिए मैं 18 वाली को 18 में करूंगा और 5 वाली को 5 में करूंगा। तो मान लीजिए जो मैं अभी आइटम लेने जा रहा हूँ वो है लैपटॉप, और लैपटॉप के ऊपर टैक्स लगता है कितना, 28%। तो मैंने यहाँ पे परचेज लेजर बनाया क्या, ऑल्ट सी करके, और मैंने यहाँ पे लिखा परचेज एट द रेट 28%, और ये बनेगा अंडर परचेज के। यहाँ पे राउंडिंग करनी है, नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे मेक श्योर कि आपको जो उसकी डिटेल है, स्टैचुरी डिटेल्स मीन्स टैक्स की डिटेल, वो आपको एंटर करनी है। तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेबल किया। अब ये बोल रहा है सेट अल्टर डिटेल, अगर आपको सेट करना हो तब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। अगर आपको उसको मॉडिफाई करना है जो पहले कर रखी थी, तो भी इसको यस करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको यस कर रहा हूँ। यस करने के बाद यहाँ पे आ रहा है क्या, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। अब क्योंकि मेरी लोकल परचेज है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, परचेज टैक्सेबल, जो बिल्कुल लास्ट में आ रहा है। इन सब के ऊपर जो हम बात करेंगे बाद में, फिलहाल के लिए आप समझिए कि परचेज की एंट्री कैसे होती है विद जीएसटी इनेबल्ड। मैंने यहाँ पे किया परचेज टैक्सेबल, और यहाँ पे आएगा क्या, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, 28% है। तो यहाँ पे रेट डाल देंगे 28% का। सेस अगर कोई है 1 या 2 डाल सकते हैं, लेकिन सेस अगर नहीं है तो उसको ऊपर हम लोग काम नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे 0 छोड़ देता हूँ, कंट्रोल ए किया और बाहर। अब मेरा टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, कि मैं उसे गुड्स परचेज कर रहा हूँ या सर्विस परचेज कर रहा हूँ। मैं गुड्स ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया गुड्स, और मैंने कंट्रोल ए करके यहाँ से आ गया बाहर। अब बात करते हैं आइटम की। तो मैंने यहाँ पे लैपटॉप लिया, तो मैं यहाँ पे करता हूँ लैपटॉप, और ये मेरा प्राइमरी में आएगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबर्स जो मेरे पहले से बने हुए हैं, इस पे मुझे टैक्स डिटेल एंटर नहीं करनी, क्योंकि सिर्फ वो आइटम पे नहीं होती, वो सिर्फ पार्टी के ऊपर ही होती है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए करके बाहर आया, और ऑर्डर में डाला मैंने कितने, 10 पीस, और मेरा कितने का आया, 50,000 रुपये का आया, टोटल हो गया 5,00,000 रुपये। अगर कोई आइटम और डालनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आइटम नहीं डाल रहा, मेरी जो बिलिंग होगी वो 5,00,000 की ही होगी। अब 5,00,000 पे टैक्स कटे कितना, 28% का। तो आइटम नहीं आएगी तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो अब यहाँ पे आएगा लेजर एलोकेशन। अब आपने बात समझनी है कि जब भी हम परचेज करते हैं और परचेज टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा,
वो टैक्स जो मुझे पे करना है वो पे करना होता है दो तरह से, एक तो होता है लोकल, एक होता है इंटरस्टेट। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो मैंने, ये मेरी पार्टी है श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस, ये मेरी लोकल परचेज है, तो अगर मैं लोकल परचेज कर रहा हूँ तो जो टैक्स का अमाउंट रहेगा 28% वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, कितना 14-14%। तो वो 14-14 कहाँ जाएगा, वो 14% जो है एक जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एक 14% जो आपका जाएगा वो रहेगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। मीन अगर 18% है तो 9-9 हो जाएगा, 9 सेंटर को और 9 स्टेट को, तो ये दो लेजर बनेंगे। लेकिन अगर बात करता हूं इंटरस्टेट की, तो वहां पे क्या होगा, एक ही बनेगा, वो बनेगा आईजीएसटी। तो उसकी हम बाद में बात करेंगे, अभी हम लोकल परचेज की बात कर रहे हैं। तो लोकल परचेज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक बनेगा सेंटर का मींस सीजीएसटी, एक बनेगा स्टेट का मींस एसजीएसटी। तो यहां पे लेजर बनेगा कैसे, ऑल्ट सी करके। तो मैंने यहां पे लिया इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कितना 14% मींस उसका हाफ 28 का, और ये जो बनेगा ये आएगा अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस के। इसको अगर आपने नोट नहीं किया तो इसकी आप स्नैपशॉट लेके फोटो क्लिक करके या इसको कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। ड्यूटी एंड टैक्स किया, अब टाइप ऑफ टैक्स किया है जीएसटी, और यहाँ पे क्या आएगा, सेंट्रल है या स्टेट है। तो हमारा क्या था, यहाँ पे लिया था मैंने सीजीएसटी मीन सेंट्रल, तो मैं यहाँ पे लूंगा सेंट्रल। ओके, कितना परसेंट है, 14% है। ओके, राउंडिंग करना है, नॉट एप्लीकेबल। कंट्रोल ए किया और बाहर, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली अमाउंट आ गया। ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको मैन्युअली कैलकुलेट करके नहीं डालना है, अगर आप मैन्युअली डालेंगे इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। अब ये तो हो गया सेंटर का, इसी तरह बनेगा स्टेट का। तो फिर मैंने किया ऑल्ट सी, और यहाँ पे मैंने लिया क्या, इनपुट एस जी एस टी एट द रेट कितना 14%, ये बनेगा अंडर ड्यूटी एंड टैक्स की अगेन, और टाइप ऑफ टैक्स में क्या आएगा जीएसटी, और जो टाइप है वो क्या है स्टेट, मींस मैंने एसजीएसटी लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा एस स्टैंड्स फॉर स्टेट, कितना परसेंट 14% एंड कंट्रोल ए किया और बाहर। तो आप ये देखिए कि 5 लाख का 28% जो होता है वो होता है 1,40,000 रुपए, जो कि दो हिस्सों में बढ़ गया, 70,000 सेंटर को, 70,000 स्टेट को। तो ये जीएसटी नेबल एंट्रीज हैं। तो आपको ईवे बिल चाहिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, यहाँ पे कर दो आप नो और मैं कंट्रोल ए करके बाहर आ जाता हूँ। अब बात समझने की है कि जो मेरी स्टॉक आइटम की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 5 लाख है, बट अभी आपने कितना दिया, आपने एक उसके ऊपर दिया टैक्स 28% का, ठीक है, 1,40,000 रुपए। तो अगर मैं स्टॉक चेक करूं तो स्टॉक में क्या जीएसटी अमाउंट आएगा, नहीं आएगा, सिंपल आपकी टैक्सेबल वैल्यू ही आएगी, कितनी 5 लाख रुपए। तो आप चेक करो ये लैपटॉप कितने के पड़े हैं, देखो 10 पीस, 50,000 का एक, और 5 लाख की उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर टैक्स की बात करेंगे तो जब आप जाएंगे बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे डिटेल निकालेंगे ऑल्ट एफ वन करके, तो ये बता रहा है कि जो ड्यूटी एंड टैक्सेस हैं, जो लाइबिलिटी हमारी बनती है वो कितना है, -1,40,000 रुपए। माइनस का मतलब क्या है कि हमें ये सरकार से वापस लेने हैं, तो ये हमारे जो है वापस हो जाएंगे या फिर एडजस्ट हो जाएंगे जब मैं कोई एंट्री सेल की पास करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जीएसटी इनेबल्ड परचेज, जीएसटी इनेबल्ड लोकल परचेज हम लोग किस तरह से करेंगे। उम्मीद करता हूं जो आपको जो वीडियो है इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करें, क्योंकि आपकी जो मोटिवेशन है, आपका जो ये एक लाइक है ना, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है वीडियो लेके आने के लिए। बस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो व्यूअर अब तक नया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो आए वो आपको मिलती रहे और आप अपने अपने जो कंटेंट्स हैं अपडेट रखें अपने साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।